बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम, बिल्कुल बाज़ार वाली हलीम बनाऊंगी मैं। आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से सिर्फ सिंपल दालों का यूज़ करके एकदम लेसदार रेशे वाली हलीम कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो आपने तमाम स्टेप्स को लाजमी से फॉलो करना है। बनाना बहुत आसान है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ में बजट का तड़का को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हमने दालें ले ली हैं, जिसमें हमने मूंग की दाल ली है आधा कप, हमने मसूर की दाल ली है आधा कप, हमने इसमें चावल लिए हैं आधा कप ही, हमने इसमें चना की दाल ली है और आधा कप हमने इसमें माश की दाल ली है, ठीक है? इन तमाम दालों को आपने साफ करके अच्छे से भिगो देना, ठीक है? पहले आपने इसको 10 से 15 मिनट भिगोएं, उसके बाद इसको वॉश करें अच्छे से, क्योंकि उसकी जो मिट्टी वगैरह होती है, जो उस पर गर्द होती है, वो अच्छे से उतर जाता है। उसके बाद अच्छे से वॉश करें इसको और भिगो के फिर रख दें आप जितने टाइम के लिए भिगोनी है। अब मैं दालें बना रही हूँ, आप कोई भी दाल बना रहे हैं, आपने जब उसको प्रेशर कुकर में बनाना है तो आप उसको कम से कम आधा घंटा लाजमी भिगोना होता है, ठीक है? अच्छा जी, दालें हमने भिगो के रख दी हैं, उतनी देर में हम जो है इसका मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसमें हम ऐड करेंगे जी तेज़पात 2 से 3, 2 इसमें हमने ऐड कर दिए बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 हम इसमें ऐड कर देंगे लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे, 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ का, 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे खुश धनिया, ठीक है? यही मसाले फिलहाल इसमें जाएंगे और हमने क्या करना है, अब इनको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो है इसमें से बहुत ज़बरदस्त स्मेल आती है और आपके बहुत फाइन ये पीस जाते हैं। 3 से 4 हरी इलायची ऐड की है, अब इसको आपने उलटाना पलटाना, जैसे ही मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देना है, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना और आपने जो है उसके बाद इसको पीस लेना, ठीक है? अगर आप फ़ौरन से इसको गर्म गर्म पीसेंगे, एक तो मशीन ख़राब होने का खतरा होगा, दूसरे नंबर पर आपके जो मसाले होते हैं वो ऐसे नमी वाले हो जाते हैं, गर्म गर्माहट में आ जाती है और वो अच्छे से पीसते नहीं हैं। अब मसाला पीसने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून ऐड करेंगे, चाइनीज सॉल्ट इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, दूसरा जो आम नमक होता है वो हम इसमें हसबे जायका ऐड करेंगे, ठीक है जी? उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी काली मिर्च, ठीक है? ब्लैक पेपर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। मेरे पास साबुत काली मिर्च नहीं थी, नहीं तो मैंने इसको मसाले के साथ ही पीस लेना था, इसलिए मैंने इसमें पीसी हुई ऐड कर दिया। इस मसाले को मिक्स करके आप साइड पे रख दें। अब हमने ऑयल लिया है 1/2 कप, 1 हमने इसमें प्याज लेना है, ठीक है? और अब हम इसको क्या करना है, प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है, ठीक है? इतना पकाना कि ये लाइट ब्राउन हो जाए, ठीक है? जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगा हमने इसको निकाल लेना है, ठीक है? ये देखें बहुत ज़बरदस्त लाइट ब्राउन हो चुका है, इसी पॉइंट पे आपने निकाल लेना। ये नहीं कहना कि अभी जो इसके सेंटर में वाइट वाइट है वो जब आप इसको रखेंगे ना तो ये फुल एक शेड में आ जाएगा, ठीक है? इसको आपने अच्छे से इसका ऑयल निकाल के इसको साइड पे रख लें एक प्लेट में। अब उसी ऑयल में हमने डाल दिए 2 मीडियम साइज के प्याज, ठीक है? अब हमने क्या करना है, इनको अच्छे से फ्राई करना है। जैसे इनका कलर चेंज हो, यानी कि अब ये रेड नज़र आ रहे हैं, जब जैसे ये वाइट हो तो हम इसमें बाकी की चीज़ें जो है वो ऐड कर देंगे। बहुत जल्दी बहुत फास्ट वे इंस्टेंट हलीम बनाते हैं इस तरीके से, और आप यकीन माने सेम इसका वही लुक और वही टेस्ट आएगा जो कि आपको घंटों हलीम बनाने पे मिलता है, ठीक है? 1 गठी इसमें लहसुन की ऐड कर दी है, 2 टमाटर इसमें ऐड कर दूंगी और अब क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे बाकी जुका जो है हमारी चीज़ें, इसमें हम ऐड करेंगे बीफ, ठीक है? 1 किलो बीफ और इसकी बोटियाँ ज़रा छोटी कर लें और हड्डी लाजमी होनी चाहिए, चाहे आप चिकन इसकी जगह बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, हड्डी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जो उसकी हड्डी का सूप होता है ना, उससे यहनी का जायका बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, जो कि आपको बाजार की हलीम में भी टेस्ट मिलेगा, इतना ज़बरदस्त जायका आता है। जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ था वो हम इसमें सारा ऐड कर देंगे और उसमें इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे जो बीफ है वो अपना पानी छोड़ेगा, अच्छा खासा गोश्त पानी छोड़ेगा, और उस पानी में ही हमने इसको भूनना है, उस पानी को ड्राई करना है। पानी जब वो ड्राई हो जाए, उसका बहुत अच्छे से ऑयल वो छोड़ जाए, तो आपने क्या करना है, इसमें अब हम डाल लेंगे पानी, ठीक है? पानी हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 3 लीटर, ठीक है? ताकि इसकी अच्छे से जो है वो यहनी निकले। पानी ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी हिलना स्टार्ट हो आपने टाइम नोट कर लेना है, टाइम नोट का आपने करना है 30 से 35 मिनट आपने इसको लाजमी से लगाने हैं। इसकी जगह अगर आप ले रहे हैं चिकन ले रहे हैं तो भी उसको इतना टाइम लगेगा, उसको फिर 20 से 25 मिनट लगा लें आप, बहुत होंगे उसके लिए। चलिए 30 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसका जो है
हटाएंगे ढक्कन, इसके स्टीम निकल रहे हैं सारे। उसके बाद क्या करेंगे इसमें से, ये देख सकते हैं कि 30 मिनट के बाद इसका पानी कितना रह गया हुआ, तो इसलिए हमने खुला पानी डालना है। अब हम क्या करेंगे इसमें से बीफ की बोटियाँ जो है वो इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे, और जो इसकी यहनी है उसको हम सेपरेट ही रहने देंगे। ठीक है, सारा बीफ इसी तरीके से हमें सेपरेट करना है, क्योंकि इसको हमें श्रेडर करना है अलग से। अब इसमें हम डाल देंगे दालें जो कि हमने भिगो के रखी हुई थी। ठीक है, दालें हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ में दालों के बाद इसमें हम फिर पानी ऐड करेंगे। ठीक है, तकरीबन ये पानी 1 लीटर होगा, इसमें मैं मज़ीद 2 लीटर पानी ऐड करूंगी, क्योंकि दालें जो है वो बहुत ज़्यादा पानी सोख करते हैं। दालें ऐड करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है, और सीटी इसकी लगानी है तकरीबन 10 मिनट के लिए। जैसे ही उसकी सीटी हिलना स्टार्ट हो आपने टाइम नोट करना है 10 मिनट। 10 मिनट के बाद आपने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। ठीक है, मुझे ये बर्तन फिर छोटा लग रहा था 10 मिनट के बाद, यानी कि जब दालें गल गई तो मैंने इसका जो है ना वो चेंज कर लिया था, उसको मैंने कढ़ाई में ले आई थी। अब ये देखें हमारी दालें बहुत ज़बरदस्त गल चुकी है। अगर इसमें कोई साबुत दाल रह गई है तो कभी भी आपने इसको ब्लेंड नहीं करना, इसमें कभी भी वो हैंड ब्लेंडर नहीं चलाना। आप इसको इस चम्मच से हिलाएंगे, ठीक है, या वो जो मुदानी होती है उससे इसको चलाएंगे, तो वो फ़ौरन से दालें जो है वो आपके पीस जाएंगे। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक बीटर का किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक का यूज़ कर लेंगे तो वो फिर इसका वो टेस्ट नहीं आता, वो जो उसका एक ज़बरदस्त टेस्ट होता है ना हलीम का, वो नहीं आता, जिसको आप ट्रेडिशनल टेस्ट कहते हैं। अब हमने क्या किया है इसमें, जो कि हमारे पास पड़ा हुआ हमने बीफ शटर करके रखा था, ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने मिक्सिंग इसकी इस तरीके से करनी है कि गोश्त और हलीम एकदम यकजान हो रहे हैं। देखिए ये मदानी लेनी है, और इसे आपने इसको मदानी चलानी है, जैसे लस्सी बनाते हैं ना वैसे ही आपने इसके अंदर ये चलानी है। तो ये देखिए इसकी लेस बनना स्टार्ट हो गई, ये देख सकते हैं आपके सामने है कितनी ज़बरदस्त जो है वो हलीम हमारी रेडी हो चुकी है। अब क्या करेंगे इसमें एट द एंड हम डाल देंगे प्याज, ठीक है, जो कि हमने फ्राई करके रखे थे वो प्याज डाल देंगे, और हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें धनिया भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो नहीं किया जाता इसलिए मैंने नहीं किया। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। उसके बाद आपने इसको फिर हिलाना है 1 से 2 मिनट के लिए, और इसको कवर करके रख देंगे दम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ी सी ठंडी हुई है उसके बाद मैंने इसकी सर्विंग कर ली है, तो इसको ज़रा पतला ही बनाएं, क्योंकि ठंडी होने के बाद बहुत थिक हो जाती है। ठीक है, इसको आप लास्ट में से ट्राई करें, सर्व करें नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, सलाद के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जल्दी से बजट का तड़का को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।